हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग शॉर्टकट्स कर रहे थे, चैप्टर का नाम था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, और ये उसका लेक्चर नंबर 4 है और आज हम लोग शॉर्टकट नंबर 6 करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, देखिए जो यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए जो कोर्सेस हैं लाइव क्लासेस मैं स्टार्ट कर चुका हूं, 28 से स्टार्ट है, बिल्कुल भी आप देर नहीं करिए। अगर आप उस बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और इसमें कोर्सेज पे 60% का ऑफ प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी देर नहीं करिए, उसमें लाइव क्लासेस आपको मिल रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट वगैरह, लाइव डाउट डिस्कशन और भी बहुत सारे चीजें मिल रही हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि नेक्स्ट मंथ में वैकेंसी आने की संभावना काफ़ी प्रबल है और इसका एग्जाम भी जो है जल्दी होगा, इसलिए आप बिल्कुल भी देर नहीं करिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी तैयारी को सही दिशा दे दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आयुष्मान क्लासेस ऐप का उसका भी मैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से ऐप आप डाउनलोड करके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शॉर्टकट लेक्चर्स में हम लोग करते क्या है, जैसे हर चैप्टर में मैं आपको शॉर्टकट करवाता हूँ। शॉर्टकट का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप डिटेल मेथड से करेंगे तो उसमें आपको जो 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है, बट लेकिन जो हम लोग शॉर्टकट आपको बताते हैं उसके थ्रू आप क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड्स में लिख सकते हैं, 10 सेकंड्स में आप लिख सकते हैं, 5 to 10 सेकंड में हर क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y² = 4x + 1 एंड y² = 8 2 - x। इसके लिए सबसे पहले शॉर्टकट आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपको पैराबोला दे दिया जाए, ठीक है, y² = 4ax + a और दूसरा पैराबोला हो y² = 4b और b - x, ठीक है, इससे बाउंडेड एरिया अगर आपको निकालना हो तो इसका फिगर सबसे पहले आप कैसे बनाएंगे, इसका फिगर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड जो पैराबोला होता है वो क्या होता है, y² = 4ax होता है, तो उसका जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 पे होता है, आपकी बार इसका जो वर्टेक्स होगा वो -a 0 पे होगा, तो कुछ पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पॉइंट हमारा कितना होगा -a, 0 होगा, ये वाला जो इसका वर्टेक्स होगा वो कितना जाएगा -a, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पैराबोला है इस ये जो है अगर इसका हम वर्टेक्स देखें इसका वर्टेक्स b, 0 पे आएगा, तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से बनेगा, ये हो गया b, 0। इससे जो बाउंडेड एरिया है ये आपको निकालना है, ठीक है ना। इसका जो शॉर्टकट होगा, देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, सबसे पहले आप इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर ये वाला यहाँ पे आप पॉइंट खींचेंगे, फिर स्ट्रिप बनाएंगे, ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे, ऐड करेंगे, इसमें आपको टाइम लग सकता है। मैं इसका डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताता हूँ, इससे जो बाउंडेड एरिया होता है इस पैराबोला से जो बाउंडेड एरिया होता है वो था 8/3 अंडर रूट ए बी और ब्रैकेट में a + b, 8/3 अंडर रूट ए बी ब्रैकेट में a + b इसका जो होता है शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसको कंपेरिजन करें जो हमारा क्वेश्चन है y² = 4x + 1, सबसे पहले मैं पैराबोला को यहाँ पे लिख लेता हूँ y² = 4x + 1 और तो इसको हम लोग कंपेरिजन किससे करेंगे, देखिए हम लोग कंपेरिजन करेंगे 4ax + a से कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4a की जगह क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है, 4a की जगह 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, a की वैल्यू 1 है। देखिए आप ध्यान से देखना ये पड़ेगा आपको कि यहाँ पर फिर 1 लिखा होना चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, जो भी a की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिखा होना चाहिए, x प्लस से मैचिंग तो होना चाहिए ना, बिल्कुल मैचिंग है, ये a की वैल्यू बना चुकी है। इसी तरीके से मैं y² = हमारा दूसरा पैराबोला क्या है 8 2 - x, ठीक है, 8 2 - x को अगर मैं इससे कंपेरिजन करवाऊंगा तो 4b की जगह पे कितना है 8 है, मतलब b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 है, देखिए यहाँ पर 2 आना चाहिए, बिल्कुल 2 आ रहा है, 2 - x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब b की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, मतलब मैं लिख देता हूँ 4b हमारा कितना है 8 है, तो यहाँ से b = हमारे पास कितना है 2 है यहाँ पे, ठीक। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपको डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 8/3, अंडर रूट ए बी की बात करेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में a + b की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 3 हमारा कट जाएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8√2 square units, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्विकली अभी तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड में जस्ट आपको आंसर ही लिखना है, ठीक है, आप इसको देख के इसका आंसर जस्ट लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, ये हमारा शॉर्टकट नंबर 6 था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे शॉर्टकट नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। आज मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मतलब एरिया से संबंधित बहुत सारे शॉर्टकट्स आज हम लोग करने वाले हैं।
ये शॉर्टकट नंबर 6 था हमारा। अब हम लोग बात करेंगे शॉर्टकट नंबर 7 की। शॉर्टकट नंबर 7 हमारा ये है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल टू 1। मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके लिए हम लोग जनरल शॉर्टकट बना लेते हैं, ठीक है। जनरल शॉर्टकट ये होगा हमारा कि एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स, ठीक है। एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे जो एरिया हमारा बाउंडेड होता है वो कितना होता है, इज व्हाट, पाई ए बी। इससे जो बाउंडेड एरिया होता है वो कितना होता है, पाई ए बी होता है। अदरवाइज आप इसका फिगर बनाएंगे, फिर इसमें स्ट्रिप्स बना के सॉल्व करेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया ये तो हमारा शॉर्टकट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं इस पर बेस। तो देखिए हमारा एलिप्स कितना है, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 7, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर मैं ए स्क्वायर की बात करूँ तो 16 है हमारे पास, मतलब ए हमारे पास कितना है, 4 है, ठीक है। बी स्क्वायर की बात करें 7 है, तो बी का वैल्यू कितना हमारे पास है, रूट 7 है बस। तो इसका मतलब एरिया हमारा आ गया कितना, पाई ए बी, पाई ए बी मतलब कितना जाएगा, 4 रूट 7 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा जो है ना, इसको हम लोग 5 सेकंड से, मतलब जस्ट आपको जो है बस इसका आंसर ही लिखना होता है। अगर आपको इस तरीके के शॉर्टकट्स याद हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में अपना कुछ वैल्यूएबल टाइम सब बचा पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए क्वेश्चन लिख रखा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसी पे बेस्ड होगा हमारा शॉर्टकट। कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इन स्क्वायर यूनिट्स। देखिए अगर हम लोग पैराबोला अगर ले लें शॉर्ट वाइज, ये शॉर्टकट नंबर हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट नंबर 8 हो जाएगा हमारा। अगर हमारे पास पैराबोला कितना हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो, अगर इसका मैं फिगर बनाऊं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका लेटेस्ट रेक्टम का मतलब होता है फोकस से एक लाइन पास होगी, ये वाली लाइन है जो क्या होगी, एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होगी, जिसके एंड पॉइंट पैराबोला पे लाई करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम या नाभिलंब भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इससे और पैराबोला से जो बाउंडेड एरिया होता है वो ये होता है, ये हमको निकालना होता है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है, मैं इसके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है ये भी मैं आपको बता दूं, ये होता है 8a, 0 होता है। तो लेटेस्ट रेक्टम और पैराबोला से जो बाउंडेड एरिया होता है वो होता है a इज इक्वल टू 8/3a² a = 8/3a² ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पैराबोला हमें दिया हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x ये पैराबोला हो गया, ठीक है। और ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम हो गया। इसका कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, 4a कितना है, 8 है, तो a कितना हमारा 2 है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 2, 0 हो जाएगा। देखिए करना कुछ नहीं होता है, अगर मैं इसके डिटेल मेथड के पहले हम शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं, फिर मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा इसका। देखिए यहाँ पर जस्ट आपको आंसर लिखना है 8/3, a कितना हमारा 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, मतलब कितना जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया जाएगा। तो विद इन सेकंड आप इसको निकाल सकते हैं। अब अगर इसको डिटेल्ड सॉल्यूशन इसका करना हो, डिटेल्ड मेथड अगर इसका देखना हो, डिटेल्ड सॉल्यूशन अगर आपको देखना हो, तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मैंने स्ट्रिप बनाया, इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी dx, इसकी हाइट कितनी होगी y, तो y हमारा कितना हो जाएगा, √8x हो जाएगा। तो ये y हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा वो ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, 0 से लेकर कहाँ तक वैरी करेगी, 2 तक। और फार्मूला क्या लिखेंगे, y dx, ठीक है ना। इस ये फार्मूला हमारा कितना हो जाएगा, y dx। तो y हमारा कितना है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 से √2, y कितना, √8x मतलब 2√2 और कितना जाएगा, √x हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 2√2 को तो बाहर कर लूंगा और √x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x^3/2 इंटू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और लिमिट कितना रखना है आपको, 0 से 2 रखना है। तो 2 को मैं क्या लिख दूंगा, √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया, 4√2/3, और इसको मैं लिख दूंगा √2 का स्क्वायर, और उसके ऊपर कितना है पावर कितना है, 3/2 है, तो 2 कट जाएगा, √2 का क्यूब, 2√2 आ जाएगा। 4√2/3 इंटू 2√2 ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 2 16, ठीक है ना। तो 16/3 हमारा क्या हो जाएगा, 4 2 8 8 8 2 कितना जाएगा, 16। अच्छा ठीक है, ये तो अभी ऊपर वाला एरिया आएगा ना, फिर हमें डबल भी करना पड़ेगा इस नीचे वाले एरिया के लिए। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 2 times हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 2 और बढ़ा लेते हैं, 2 times और बढ़ा देंगे यहाँ पे 2, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना जाएगा, 32y कितना आ जाएगा, 3 हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा था शॉर्टकट नंबर 3 था, शॉर्टकट नंबर कौन सा था, 8 था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो शॉर्टकट नंबर हमारा कौन सा होगा, 9 होगा। आइए देखते हैं शॉर्टकट नंबर 9 क्या है हमारा, ठीक है। तो शॉर्टकट नंबर 9 में देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट नंबर 9, ठीक है।
इसमें देखिए ये क्वेश्चन हमारा है और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है AI 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आईआईटी जेई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया, AI 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इससे संबंधित शॉर्टकट्स हम लोग बनाएंगे। कहा जा रहा है द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मड बाय द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स दिस इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक एलिप्स दे दिया जाए, ये एलिप्स मैंने बना दिया सपोज, ठीक है, ये एलिप्स हमने बना दिया, तो कहा जा रहा है कि इस एलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे दो होते हैं, इस तरीके से लेटेस्ट रेक्टम मैंने खींच लिया, मतलब ये लाइन जो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। अब इसके एंड पॉइंट से आपको क्या खींचना है, टेंजेंट खींचना है, तो मैं एक टेंजेंट इस तरीके से खींचूंगा, इसका दूसरा टेंजेंट यहाँ पे मैं खींचूंगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे तीसरा टेंजेंट खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा तीसरा टेंजेंट इसका, ठीक है, तीसरा टेंजेंट इस पे खींचेंगे इस तरीके से जाएगा, और जो चौथा टेंजेंट यहाँ पे खींचना है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ए आपका जो है ये बी, और यहाँ पे ये जो बना सी, और ये क्या बन गया डी, ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको बताना है, क्वेश्चन आईआईटी में 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ, इसके लिए हमारा जो शॉर्टकट है वो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट नंबर जो भी है। ठीक है, एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, और उसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल एंड पॉइंट्स के लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हम लोग क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, इससे जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसका जो एरिया आता है वो आता है ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन ई आता है। ठीक है ना, ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन ई, तो ए स्क्वायर, तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, एलिप्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई नाइन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन, इसको हम कंपेरिजन करवाएंगे तो ए स्क्वायर नाइन मिल जाएगा, तो मुझे ए स्क्वायर तो मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अब मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे ई की जरूरत पड़ेगी, और इलिप्स के केस में ई का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा वन माइनस बी स्क्वायर हमारा कितना फाइव है अपॉन ए स्क्वायर हमारा कितना नाइन है, तो नाइन माइनस फाइव कितना हो जाएगा फोर बाई नाइन, फोर बाई नाइन का मतलब कितना हो जाएगा टू बाई थ्री आ जाएगा, तो ई भी हमारा आ गया टू बाई थ्री, और हमें ए स्क्वायर का नॉलेज हो गया नाइन, तो अब हम रिक्वायर्ड एरिया लिख सकते हैं यहाँ पे टू टाइम्स ए स्क्वायर का मतलब नाइन अपॉन ई कितना टू बाई थ्री है, टू को नीचे लिख देता हूँ थ्री को ऊपर लिख देता हूँ, टू टू से कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 27 स्क्वायर यूनिट्स, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स होप सो आपको जो ये सारी चीजें पसंद आई होंगी, जो ये शॉर्टकट्स मैंने बताई आपको अच्छे समझ में आए होंगे, इस पर बेस्ट क्वेश्चन आपके किताबों में मिल जाएगा, आप उसको ढूंढ के आप इसको ट्राई करिएगा ताकि इस पर जो है अच्छे से पकड़ आपकी हो जाए। इसके आगे के शॉर्टकट्स जो भी हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना जरूर भूलिएगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।